तो गाइज मैंने आपको बताया था कि आज हमें फ़ोन भी लेना है, कौन सा लेके मॉल हम लोग पहुँच चुके हैं। और वो सारे जब पैसे खर्च होते हैं ना तो दिल की धड़कन धक धक धक। मॉल के सामने हैं हम लोग और पार्किंग में ये लोग जो हैं बाइक खड़ी करने के लिए गए हैं अपनी। चलो अब चलेंगे अंदर और देखते हैं कौन सा फ़ोन लेंगे आज। एक सपना और पूरा होने जा रहा है पाल साहब का। सपने ही होते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है जी, कम बजट वालों के सामने। और बच्चों को बताकर नहीं आए थे कि आज डॉक्टर के भी जाएंगे, फ़ोन भी लेकर आएंगे। उनकी भी कई दिन से जो है फरमाइश थी, बहुत दिन से वो भी बोल रहे थे कि एक फ़ोन हमारे पास वीडियो बनाने के लिए होना चाहिए। पहुंच गए हैं एप्पल स्टोर और डिसाइड तो करके आए हैं कि 13 प्रो मैक्स लेना है, लेकिन अब कलर डिसाइड करेंगे यहाँ पे। और पहले से दवाई ले लें, दवाइयाँ ख़त्म हो रही और दवाई भी दिखा के दे रहे हैं। इससे ये ना कहे कोई कि दवाई नहीं खाते, ये दवाई खाते हैं। दवाई तो बहुत खाती है, दवाई तो वो भी नहीं खाती, ये तो खा लेती है, ये तो खा लेती हैं। और गोल्डन और ब्लू के बीच में यहाँ पे अभी डिसाइड होगा जो भी बोलेंगे। ठीक है जी, पर अभी देखते हैं, चलो पहले देख लेते हैं भाई कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं, उसी हिसाब से आपको दिखाएंगे कि कौन सा लेके जाएंगे। और ये पहले से ही मन बना लिया था, वहीं से घर से ही अचानक नहीं बना है। एक बार पहले आए थे यहाँ पे ट्राई करके भी गए थे और देख के भी गए थे, लेकिन कलर या कुछ इशू था लेने में, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। फैसला लेते लेते जो है ये टाइम आ गया और बीच में जो है कुछ तबीयत वबीयत का इशू चलता रहा, इसलिए तो इसलिए नहीं आ पाए। और आ जाए हैं तो आज लेके जाए, तो लेके जाए आई है तो लेके। और मुझे मिलेगी पार्टी, पार्टी फोन मिलेगा, पार्टी मिलेगी फोन की। फोन लेके आता तो कुछ तो भाई कुछ तो खिला देता। ठीक है तो चलो देख लेते हैं। मैं वेट कर रही तोल मोल तो इन सब चीज़ों में होता ही नहीं कुछ भी। तोल मोल कुछ नहीं, फिक्स प्राइस है, 24,000 का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जरूरी कराना है और उसमें खोने का नहीं, टूटने फोड़ने का, डैमेज का है पूरी तरह। हाँ तो कोई बात नहीं, बच्चों का घर है ना हमारा, तो करवाना पड़ेगा, ये तो करवाना पड़ेगा, है ना। चलो ठीक है, इधर से की थी शुरुआत, ये डिसाइड कर लिया है 13 प्रो मैक्स। ये है आईफोन 13 प्रो खाली वाला, और बाकी सारे मॉडल लगे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है इसका पड़ेगा इंश्योरेंस भी, 24,000 का इंश्योरेंस है इसका। चार्जर भी बहुत महंगा है भाई, ऐसी महंगी चीज़ पहले तो ख़रीदी नहीं थी, और मन था बहुत दिन से, ये भी एक ड्रीम सा था कि एक आईफोन होना चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, घर से आउटसाइड जाते हैं, तो फिर डिसाइड कर ही लिया। अभी वहाँ पे जो है पेमेंट प्रोसेस करवा रहे हैं वो लोग, देख रहे हैं। और कलर जो है गोल्ड सेलेक्ट करा है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ 13 प्रो मैक्स में। ये कलर, ये तीन कलर हैं, ये ब्लू है और ये ग्रेफाइट है और ये गोल्डन। तो गोल्डन वाला किया है सेलेक्ट, पेमेंट प्रोसेस अभी हो जाएगा। इंश्योरेंस भी कराना ज़रूरी है, बच्चों का घर है, कभी भी टूट सकता है फ़ोन, तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी तो कलर भी डिसाइड हो गया, कलर हाँ अच्छा है, गोल्डन वाला लेना है, है? ठीक है, इंश्योरेंस भी हो गया, केबल भी हो गया उसका, एक कवर हो गया और फ़ोन हो गया। हाँ। बस यही तो चाहिएगा फिलहाल, जो उसकी ज़रूरत का सामान है वो तो लेना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है ना। और कवर किस कलर का, गोल्डन का ही मिल जाएगा, गोल्डन का मैंने देख लिया उसने, क्योंकि कलर अगर ओरिजिनल दिखाना है तो उसी कलर का कवर भी लेना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं, बस अब जो है टोटल करके पेमेंट प्रोसेस करवाना है बस, बाकी और क्या है। तो चलो मैं देख लूँ, लीजिए अनबॉक्सिंग कीजिए। आईफोन 13 प्रो 256 GB गोल्ड कलर। हाँ जी, बस आपको ये प्रेस करना है यहाँ पे और ये क्लिक करके रखना है और ये आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बिल भी हो गया है, इंश्योरेंस भी हो गया है, महंगा सामान है, अब लेके चलते हैं, थोड़ी दूर जाना है तो थोड़ा चौकस रखना पड़ेगा। मैं इस बैग में से निकाल लें, रात में रख लें। ठीक है, बैग का कोई भरोसा नहीं है। तो जी सर ने जो है बहुत कोऑपरेटिव तरीके से सब कुछ समझाया और हमने समझ भी लिया और फाइनल हो गया है आईफोन 13 प्रो। अब इसे लेके चलते हैं घर, एक्साइटमेंट पूरा है, घर किसी को बताया नहीं है, बिना सलाह के ये ख़रीद लिया है,
अब जाके देखते हैं घर पे रिएक्शन, बाकी फैमिली मेंबर्स का कैसा रहता है, वो तो जब ले लिया है तो झेल लेंगे उसे। नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी से बनेगी। थैंक यू, वेलकम सर। ठंड इतनी ज़्यादा गई नहीं है अभी, इन्होंने शिकंजी ऑर्डर कर दी है जी। शिकंजी पियोगे, चाय वाय पी लेते, ठंड का टाइम हो रहा है। अच्छा, मुजफ्फरनगर मॉल बोपर रोड मॉल में मिल रही थी शिकंजी, और केवल शिकंजी थी वहाँ पे, इसलिए नहीं ली। चाय पास में ऑफिस है, ऑफिस बैठ के पियेंगे खाएंगे। चाय थी नहीं इतनी ठंड में शिकंजी, खांसी जुकाम का मौसम अभी गया नहीं है, तो इसलिए हमने जो है वो पोस्टपोन कर दिया प्रोग्राम। तो जी ये है मुजफ्फरनगर का मॉल जहाँ से हमने फ़ोन ख़रीद लिया है, और अभी बाइक लेने के लिए गए हैं पार्किंग से, और सुबह से ऐसे ही हैं, बस नाश्ता करके ही निकले थे घर से। अभी कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि पहले डॉक्टर के यहाँ पर भी टाइम लग गया और अभी यहाँ पर भी टाइम लग गया। और एक मैंने पर्स लिया है, वो भी मैं घर चल कर दिखाऊँगी चलिए आपको। और यहाँ पर ना छोटे छोटे पपी हैं, चलो आपको वो भी दिखाते हैं। बस 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 बस, ये तो ऐसा रिएक्ट कर रहा जैसे मुझे जानता हूँ। हैं मेरी साथ ही चला है क्या? हैं मेरी साथ ही चला है क्या? आ चल। अभी हम लोग रुके थे यहाँ पर कुछ देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। चलो जी, लिया छोटा सा ब्रेक, मुजफ्फरनगर से निकलते ही ले लिया ये ब्रेक हमने। चलो चलते हैं अब आगे, और बच्चों का फ़ोन आ गया है दो बार, गुड्डू का दो बार फ़ोन आ गया है, चलते हैं अब। और हम एक स्कूल के पास में खड़े हैं, मुजफ्फरनगर से बाईपास के पास में है थोड़ा। हाँ अब निकलते हैं, और इधर से भी थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लेंगे है ना। लो मोटो व्लॉग, लो बैग तो टांगो, चल दिए हम लोग घर की तरफ। और इस टाइम जो है थोड़ा सा ठंड का टाइम हो गया है, सेफ्टी के साथ हैं, मास्क लगा रखा है, सोल भी अच्छे से कानों में लपेट लिया, और पिताजी ये कह रहे हैं कान और नाक ढके चाहिए फिर ठंड नहीं लगने की। ये देखिए सूर्य देवता भी चल दिए हैं, और हम भी चल दिए हैं अपने घर की तरफ। ये है हमारी रोड जिससे हम जाएंगे। बहुत सारे जूस ऐसे हैं जो मैं पी नहीं सकती, लेकिन मन करता है और अच्छे भी लगते हैं। अभी थोड़ी ठंडी है ना, नहीं तो गन्ने का रस, रस ही बोल लेंगे अपनी भाषा में, जूस नहीं कहनेंगे। जगह जगह जो ठेलियाँ लगी हुई दिखे ना, तो मन तो कर ही है, क्योंकि ये थोड़ा सा और टेस्टी सा बना दे उसमें कुछ और मसाले वगैरह डाल के। और जो कुल्लू में से निकलवा के लावे हम, वो थोड़ा सा मीठा हो जाता। ये आ गया है बाईपास, यहाँ से कई तरफ रास्ते जाते हैं, और सीधा रास्ता है जी हमारा, तो इधर उधर अब मुड़ने की जरूरत नहीं है, अब हमारा घर आएगा सीधे रास्ते पे। सावधानी पूर्वक चलाइए धीरे धीरे। और जी वहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया बाहर का सामान, पर घर का बना हुआ खाना ही खाया, बोबी ने खाना बना के दे रखा था, ज़्यादा नहीं थोड़े थोड़े में भला कर लिया। और वैसे भी अब खाना खाने का टाइम नहीं रह रहा था, उस बीच में हमें टाइम नहीं मिल पाया कुछ खाने पीने का, एक कप चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला, इतने व्यस्त थे आज हम। और खुशी भी उमड़ रही थी मन में, खुशी भी तो थी, बहुत दिनों से सोच रहे थे और आज ये काम कर ही लिया।
फोन का। इस वाले रास्ते में मोर बहुत मिलते हैं, हो सके तो, पॉसिबल हुआ तो आपको भी दिखाएंगे जरूर आज। एक तो हवा लग रही है आंखों में, चश्मा घर ही रह गया, और अगर बैटरी बची रही इसमें मेरे फोन में, नया फोन इसलिए अभी यूज नहीं किया क्योंकि बच्चों के हाथों से उसका उद्घाटन कराएंगे। भले ही इन्होंने कह दिया होगा कि अब हमने ओपनिंग कर ली, लेकिन वो वाली ओपनिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और होगा जो पूरी फैमिली के साथ करेंगे। सामने से एक ट्रक आ गया था, अब इन ट्रक वालों का भी पता नहीं चलता है किस दिशा में मोड़ दें। थोड़ा सा देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया है और हम लोग पहुंच चुके हैं शाहपुर। तो गाइस दो मोर मुझे दिखे, लेकिन हम लोग आगे निकल चुके थे और मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन आगे कोशिश करेंगे। अभी 12 किलोमीटर दूर का रास्ता रह गया है हमारे यहाँ से, और शाहपुर में हम लोगों ने एंट्री कर ली है। थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है, धुंधला सा नज़र आने लगा है, और ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है, कुछ जल रहा है इधर साइड में, तो उसी का ये धुआं फैला हुआ है। तो जी फ़ोन जो है मेरा आधे रास्ते में ही बंद हो गया था और मोर मैं आपको नहीं दिखा पाई। एक मोर मैंने देखा भी था, लेकिन हम लोग जो है आगे निकल गए थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। और अभी जो है 7 बज चुके हैं, हम लोग सुरक्षित जो है अपने घर वापस आ चुके हैं और खाना बनाने का प्रोग्राम चल रहा। ये पता नहीं खाने में क्या क्या बनाया, चलो पूछ लेते हैं। मक्खन रखा हुआ है और कितनी सारी पतीली भिगोने सारी चीज़ रखी हुई है यहाँ से। क्या बना खाने में? दाल रखी दिन की। दाल है जी, और वो भी दिन की। कितनी अच्छी बात है, चलो दिन की दाल है। और गुड्डू डॉक्टर ने ये कह दिया सारी चीज खाओ, कड़ी कुड़ी भी फिर खाओ। देखिए खाओ मजे से, कल भी बनेगी। कितने दिन हो गए, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया। बीच में बन तो 2 बार गई, लेकिन खाई नहीं, मूंग की दाल ही खाते जा रहे। अभी जो है चाचा जी ने खाना खा लिया है, पिताजी खाना खा रहे हैं यहाँ पर, और आरुषि ने भी भोजन ग्रहण कर लिया है, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही है। बच्चों के लिए जलेबी लेकर आते, लेकिन वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, 1 घंटा वहाँ पर लग जाता, इसलिए फिर मैंने इन्हें कहा कि कल जब दिन में आओगे तब लेकर जाना, अब जो है ऐसे ही चलो। तो इन फल फ्रूट्स तो वैसे रखे हुए हैं, इनके लिए भी कुछ नहीं लेके आए हम। अभी ये आते ही पापा की गोद में, और ये कुछ क्या क्या बोल रही है आपको आज? प्रीति बोल रही है, ज्यादा ही बोल रही है आज कुछ। ये देखो कितने बड़े बड़े बबल्स निकाल ली मुंह में। और ये खाना खा रहा है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं सिक्का करते, इसने तो पता नहीं कहाँ से सिक्का। और ये चिंकी, हाँ मैंने तो मुंह मीठा भी करा दिया पापा जी। अच्छा, इसने आते ही मुंह मीठा करवा दिया, जलिया। और ये खाना नहीं खा रही, देखो क्या सीख लिया ये आज, पता नहीं क्या कर रही। क्या मजाक है या? हेलो बोल दे, चलो अच्छा जल्दी से।